जी मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म प्रोडक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं ईडीएस के वो टूल्स जो हमारे पीछे वाली क्लास में रह गए थे। आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट में जैसे ही हम बिन से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो ये आपको इधर फोल्डर के अंदर ये इफेक्ट के फोल्डर्स मिल रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या है पूरी डिटेल ऊपर मेंशन है, लिखा हुआ है, आपको बस इसको देखना है, पढ़ना है और यूज़ करना है। फिलहाल कुछ टूल्स हम बताएंगे। इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये ऐसे होता है, इसको साइड पे ये इसको क्लिक करेंगे ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आएगा वीडियो फिल्टर फर्स्ट नंबर पे, और इस विंडो के अंदर वीडियो के लिहाज से जो फिल्टर्स हैं इसमें आ चुके हैं, जैसे एंटी फ्लिकर है, ब्लर है, ये काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स हैं। ये क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये हम जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे यूज़ करते जाएंगे और समझते जाएंगे। और इसके नीचे है ये, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे कलर करेक्शन आ गई है। ये कलर करेक्शन के कुछ टूल्स हैं, ये जब हम कलर करेक्शन करेंगे तो तब इनको भी समझेंगे। और नीचे न्यू ब्लू के इफेक्ट हैं, नीचे ये आइग्नेट के हैं, कुछ फिल्टर्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आपको फिलहाल बेसिक में ये समझा देता हूँ जो ये फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स अप्लाई होते हैं वीडियो के ऊपर, और उसके नीचे है ऑडियो फिल्टर। ऑडियो फिल्टर्स के अंदर जो हैं ये आपको ऑडियो की आप क्वालिटी को जो मॉडिफाई करते हैं, आप डिले रिवर्स वगैरह लगाते हैं, नॉइज़ रिमूव करते हैं, उसके कुछ फिल्टर्स इसके अंदर ये मौजूद हैं जो आपको यूज़ करेंगे तो साथ में समझ जाएं। उसके नीचे आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स जो होती है ये आपकी दो जगह पे यूज़ होती है। आप वीडियो का जो कट लगाते हो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट वाले क्लिप के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स आपकी वर्क करेगी और इफेक्ट चेंज कर देगी, आपको नया वाला कैम सामने शो हो जाएगा। ये कट के अंदर भी यूज़ होती है और वैसे वीडियो के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। उसके बाद ये टाइटल है, टाइटल के ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम जब टेक्स्ट वगैरह यूज़ करेंगे इफेक्ट अप्लाई करके देख लेंगे। उसके नीचे कीज़ आ जाता है, कीज़ के अंदर आपको क्रोमा की वगैरह, ट्रैक मैट वगैरह, ब्लेंड के अंदर आपको स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन, पिंक लाइट, ओवरले वगैरह वगैरह, वीवर्ड लाइट के फिल्टर्स होते हैं। ये कैसे हम यूज़ करने हैं ये हम जैसे जैसे एडिटिंग करते जाएंगे साथ साथ में यूज़ करते जाएंगे और समझते जाएंगे। उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। इफेक्ट के बाद जो आता है वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्स, आप टाइमलाइन पे जो भी वर्क करते हो, जो भी काम करते हो, कोई वीडियो अप्लाई करते हो, कोई ऑडियो अप्लाई करते हो, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलेगी। और उस इफेक्ट को कोई भी आप ट्रांजेक्शन या फिल्टर या इफेक्ट लगाते हो उसको आपने मॉडिफाई करना है तो आप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से आप उस फिल्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम जब एडिट करेंगे उसके साथ इसको मॉडिफाई करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है किसी भी इफेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। अभी जो है हम ईडीएस के बेसिक टूल्स को तकरीबन समझ चुके हैं, और इसके बाद जो आती है बारी टाइमलाइंस की, टाइमलाइन को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।